हाँ तो बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, वो है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस यूनिट का नाम मैग्नेटिज्म कह सकते हो आप, और मैग्नेटिज्म के अंदर आपके टोटल दो चैप्टर्स आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो दो चैप्टर आते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी दो चैप्टर आ रहे थे। हमने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक ही तरीके से पढ़ाया था, मतलब एक यूनिट कंसिडर करके पढ़ाया था। मैग्नेटिज्म को भी एक यूनिट कंसिडर करके हम लोग पढ़ाएंगे। मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी है और बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर ली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर ली गई हैं। ठीक है, चलो। तो अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर है तो ये चैप्टर में आपको इतना कुछ परेशानी होना नहीं चाहिए। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुरुआत हुआ था, वो शुरुआत कैसे हुआ था? कूलम ने ऑब्जर्व किया कि चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूशन निकाला। कुछ कंक्लूशन निकालने के बाद उन्होंने बोला कि भैया जो फोर्स लग रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है, और इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट पे लाए। उसी तरीके से जब हम मैग्नेटिज्म यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, तो जब पहली बार मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व किया गया आपका 19th सेंचुरी में, मतलब मैग्नेटिज्म देखो असलियत में बहुत सदियों पहले से यूज हुआ होता जा रहा है। मैग्नेटिज्म क्या था पहले? चुंबक, चुंबक था। तो आपका Fe3O4, जो Fe3O4 नाम का एक फेरस ऑक्साइड, फेरिक, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, Fe3O4, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर थोड़ा बहुत होता है। तो उसको वो जो शेपर्ड होते हैं, जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो यूज़ करते थे। ठीक है, वो यूज़ करते थे, अपने स्टिक के सामने उसको लगा देते थे और ऐसे भेड़ बकरी चराने जाते थे। तो जहाँ पे उनको लोहा वगैरह ऐसे ढूंढने में भी हेल्प मिलता था। ठीक है, तो मतलब कहाँ पर लोहा है मिल सकता, तो वो ढूंढने में उनको हेल्प मिलता था। तो ये सब चीज़ों को मतलब पहले टोटली अलग तरीके से यूज़, मतलब मैग्नेट को यूज़ किया जाता था टोटली अलग तरीके से। फिर बहुत बाद में 19th सेंचुरी में आने के बाद पहली बार मैग्नेटिज्म और करंट का रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ। मैग्नेटिज्म और करंट, मैग्नेटिज्म बहुत पहले से लोगों को पता है कि हाँ भाई चुंबक लोहा को खींचता है, ये सब पता है। चुंबक चुंबक अट्रैक्ट करता है, मतलब ये सब उनको पता था। चुंबक 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 रिपेल भी करता है, मतलब नॉर्थ साउथ जो आपका अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, वो सब उनको पता था। मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब नहीं, पहली बार जब ये चीज़ सामने आई थी करंट के साथ रिलेशन, ये आपकी आई थी 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने, ऑस्टेंड नाम के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने गलती से एक्सपेरिमेंट कर दिया। उन वो डिजायर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं था, मतलब उनका गलती से ये एक्सपेरिमेंट हो गया। और उन्होंने इसके ऊपर मतलब फिर आगे मतलब और बहुत सारे रिसर्च किया, बहुत कुछ किया, उसके बाद वो कुछ कंक्लूजन में आए। तो पहली बात हम लोग ये पढ़ेंगे कि उन्होंने जो भैया गलती की, वो क्या गलती की? उन्होंने क्या किया, उनके डेस्क में एक मैग्नेटिक कंपास लगा होता। नाउ मैं आपको बताया था कि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा मैग्नेटिक कंपास क्या, बट आई विल स्टिल टेल यू। ऐसा एक डिवाइस होता है, उसके ऊपर एक कंपास, मतलब ऐसा एक नीडल रखी होती है। आप तो भैया पास हो या 10th पास हो ना, 10th पास बच्चों को तो इसे पता ही होना चाहिए, इसका डेफिनेशन वगैरह 10 में है शायद। तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ ये इशारा करता है। ठीक है, उसका जो रेड वाला पार्ट है इसको नॉर्थ बोलते हैं, रेड वाला पार्ट है नॉर्थ, और ये नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। ठीक है, चलो, ये आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें कुछ है भी नहीं समझाने का, आगे पढ़ते हैं। ये मैग्नेटिक कंपास उनके टेबल में रखा हुआ था, एक करंट कैरिंग वायर, एक कंडक्टर रखा हुआ था जिससे करंट पास हो रहा था। तो अचानक उन्होंने देखा कि जब करंट पास हो रहा है तो ये नॉर्मल, मतलब ये डिफ्लेक्शन एक तरीके का प्रोड्यूस कर रहा है जैसे करंट पास हो रहा है। तो ऑयस्टर आश्चर्यचकित हो गए, वो सोचने लगे कि भैया ये क्या हुआ, करंट के करंट ऑन करने पे कैसे भाई मैं वो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कैसे ये डिफ्लेक्शन शो किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपास नीडल को लिया और थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किए उसी वायर के साथ। अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहली बात मैं सेटअप बता देता हूँ, सिंपल सा सेटअप था। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस वी, कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट, हम इस एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, ये वायर ए बी। ठीक है, तो करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, किस तरफ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो खुद एक बात बता, अगर साउथ इस तरफ है, नॉर्थ इस तरफ है, तो ईस्ट किस तरफ होगा, बाहर की तरफ, वेस्ट किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, ये आपको पता है। अगर नॉर्थ इस तरफ होता है, अगर नॉर्थ इस तरफ होगा तो ईस्ट इस तरफ होगा, वेस्ट अंदर की तरफ होगा, साउथ पीछे की तरफ होगा। ठीक है, अब ये बोला गया कि भैया पहली बात उन्होंने क्या की, जैसे ही ये ऑब्जर्वेशन है, व्हेन करंट इज ऑन नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस इंक्रीजिंग करंट। उन्होंने बैटरी को स्ट्रॉन्ग किया तो देखा करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने के साथ साथ आपका डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा था बेटा, बढ़े जा रहा था। ठीक है, डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग सेपरेशन ऑफ नीडल फ्रॉम कंडक्टर। उन्होंने क्या किया,
जो यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास नीडल था आपका, मतलब कंपास नीडल यहाँ पे रखा हुआ था, कंपास नीडल जो रखा हुआ था यहाँ पे, इसको अगर मैं दूर लेके जाता था तो डिफ्लेक्शन क्या होता था बेटा, वीक होता था। नज़दीक में डिफ्लेक्शन क्या होता था बेटा, स्ट्रांग होता था। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये तो बेसिक है आपको, जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं उनका एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने, मैं सेटअप कैसे किया बताता हूँ। ये वायर जा रहा था, इस वायर के ठीक नीचे ये डब्बा रखा, मतलब मैं आपको अगर दिखाऊं, आप इमेजिन करो ये कंपास नीडल है, ये कंपास नीडल है, इसके ऊपर जो नीडल है वो ऐसे ऐसे घूम सकती है, घूम सकती है पूरा, और आपका इसको करंट मान ले, इसको करंट कैरिंग वायर मान ले, तो करंट कैरिंग वायर ऐसे है इसके ऊपर, समझ में आया कि नहीं, सर्किट ऐसे है, ये जो ए बी वाला पार्ट है ये ऐसे है और इसके नीचे कंपास नीडल रख दिया है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, आप हो सके तो लिख लो, ज़रूरत है नहीं वैसे लिखने की, ऑब्जर्वेशन लिखो पहले। वैन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, द नीडल इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट। अब देखो, जब ऐसा देखा गया, जब करंट साउथ से नॉर्थ जाता है तो नीडल तो नॉर्मली ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है ना, नीडल तो ऐसे रहना चाहिए। क्यों ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि नीडल का फ्रंट पार्ट क्या दिखाता है, नॉर्थ, और नॉर्थ तो इस तरफ है ही। लेकिन जैसे ही करंट ऑन किया उन्होंने क्या देखा, करंट जैसे ही साउथ से आपका नॉर्थ में जा रहा है तो नीडल किस तरह डिफ्लेक्शन शो कर रहा है बेटा, वेस्ट की तरफ, यानी नीडल ऐसा था ऐसा हो गया, वेस्ट तो अंदर की तरफ है ना, क्रॉस, नीडल ऐसा था ऐसा हो गया, क्रॉस हो गया, समझ में आया कि नहीं, किस तरफ हो गया, अंदर की तरफ हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैटरी को पलटा, बैटरी को पलटने पर कुछ ऐसा हो गया, तो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया बेटा, पलट गया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट पलट गया तो उन्होंने देखा जो नीडल था वो डिफ्लेक्शन किस तरफ देने लग गया, ईस्ट की तरफ, नीडल किस तरह डिफ्लेक्शन देने लग गया, ईस्ट की तरफ। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या सर हम लोग डायग्राम बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं बेटा बनाने का, लिखना लिख ले। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जैसे ही नॉर्थ से साउथ की तरफ दिया तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ हो गया, कोई जरूरत नहीं आपको लिखने लिखने का, ये सब लिखना है तो लिख सकते हो, डायग्राम बनाने का अलग कोई सी जरूरत नहीं है। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि जैसे ही करंट मैंने पलटता हूँ डायरेक्शन में पलट देती है वो, ठीक है, डायरेक्शन में पलट देती है, कभी ईस्ट दिखाती है तो कभी वेस्ट दिखाती है। इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है बेटा, ईस्ट या वेस्ट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग से टॉपिक होता है जो मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग बस क्या कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट किया स्टडी ने उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो कंक्लूशन क्या निकला, कंक्लूशन ये निकला कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट का कंक्लूशन देख, व्हेन करंट इज ऑन नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, पहला कंक्लूशन ये था कि जैसे ही करंट ऑन होता है नीडल डिफ्लेक्टेड होता है। तो सॉरी, ऑब्जर्वेशन पहला ये था, सॉरी, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, करंट ऑन होता है तो नीडल डिफ्लेक्ट होता है। तो इससे कंक्लूशन क्या निकलेगा, करंट ऑन होता है नीडल डिफ्लेक्ट होता है, यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पहला कंक्लूशन निकल गया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और ये बहुत बड़ा बेटा डिस्कवरी था, इट इज वेरी मेजर अचीवमेंट। और इसी डिस्कवरी की वजह से आज आप अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ कर पा रहे हो, जो मोबाइल फ़ोन का टेक्नोलॉजी है, आपका रिमोट का टेक्नोलॉजी है, हर चीज़, एवरीथिंग, एवरी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट यू आर यूजिंग इज द रिजल्ट ऑफ दिस। क्योंकि अगर ये डिस्कवरी नहीं होता तो अभी भी हम लोग वही जो आपका टंगस्टन का वो होता है ना बेटा, बल्ब होता है ना, जो आता है, पहले आता था 15 रुपये का बल्ब, येलो कलर का लाइट यूज़ करता है, वही यूज़ करते रह जाते हैं। ठीक है, फैन वैन तो कुछ काम ही नहीं करता, छोड़ो वो सब बात। Strong current produces strong magnetic field. Second point क्या बोलता है, डिफ्लेक्शन बढ़ता है जब करंट बढ़ाते हैं, यानी कि डिफ्लेक्शन, जैसे करंट को स्ट्रॉन्ग करूंगा डिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, डिफ्लेक्शन झट करके देगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, वट इज बी, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मत पूछना सर मैग्नेटिक फील्ड को एम से क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते, बटन बोला गया है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, है ना, उन्होंने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे तो करेंगे बी से रिप्रेजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस विथ इन, अच्छा, डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग सेपरेशन ऑफ नीडल फ्रॉम कंडक्टर, नीडल को दूर लेके जा, डिफ्लेक्शन वीक होता है, यानी कि जब नीडल को दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वीक होते जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो ताकत है, मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति है वो कम होती जाती है व्हेन द सेपरेशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि प्रीटी ऑब्वियस है, आपको समझ में आ गया होगा। आप तार से दूर लेके जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जा रही है, जो कि ऑब्वियस है, मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर क्वांटिटी। देख भाई, तूने ये देखा डिफ्लेक्शन पहले ईस्ट में दिखा रही थी फिर वेस्ट में दिखा रहा था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक वैक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है उसका, समझ में आया कि नहीं। तो ये कंक्लूशन थे, इनमें से नोटेबल कंक्लूशन जो आपको दिमाग में रखना है, चारों ही
लेकिन आपको अभी आ जाएगा दिमाग में, इसे कुछ याद करने का है नहीं। तो ये था बेटा ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट जनरली बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन एक एक नंबर का पूछ सकता है आपको। एक नंबर से ज़्यादा इसमें देने का चांस ही नहीं, वैसे तो देगा नहीं, लेकिन अगर देता भी है तो एक नंबर। आई होप आप पूरी नॉलेज मिल चुकी है इस चीज़ की। हाँ तो बच्चों अभी सबसे काम का टॉपिक आ रहा है वो है बेटा बायो सैवर्ट लॉ। जिस तरह कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प करता था, उसी तरीके से बायो सैवर्ट लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हेल्प करेगा बेटा। ठीक है, तो देख हम ऑलरेडी आपका ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाल चुके हैं, तो उसी कंक्लूजन के आधार पे इन्होंने बताया। तुम लोग को याद होगा तो कूलम्स लॉ का भी कोई डेराइवेशन नहीं था, सिंपली बोला गया था फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2, बात खत्म, पैसा आ जाम, वैसा बात किया होता था। यहाँ पर भी सेम ही किया गया है, क्योंकि बेटा देखो जब भी किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है, नई चीज़ की शुरुआत, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इंसान ने पहली बार आविष्कार किया होगा तब थोड़ी कुछ ड्राइव करेगा, ड्राइवेशन करके थोड़ी आएगा, वो उसके बारे में स्टडी करेगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर एक रिजल्ट पे आएगा, उस रिजल्ट से सब कुछ ड्राइवेशन होकर आता है। जैसे याद होगा आपको कूलम्स लॉ जब हमने पढ़ाया था, तो कूलम्स लॉ से बाकी सारी चीज़ें ड्राइव हुई थी, उसी तरह इसी से सारी चीज़ें ड्राइव होंगी। तो दिस इज द मेन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इन्होंने बोला कि अच्छा पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है बेटा वो टेस्ला होता है, आप लोग नोट डाउन कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, न्यूटन पर कूलम या आपका वोल्ट पर मीटर, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम था, निकोला टेस्ला, जिनको पता होगा। टेस्ला के नाम पे कार की कंपनी भी है, इलन मस्क की जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, एंड इट इज प्रोबेबली द फर्स्ट कंपनी जो इलेक्ट्रिक की सुपर कार्स बनाई है। ठीक है, देर यू नो वेरी एक्सपेंसिव कार्स नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, इसका टाइम वेस्ट होता है, ये सब बात करने से छोड़ो। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, टेस्ला, ये बात दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलो बायो सैवर्ट लॉ ने क्या बोला। पहली बात, मान ली करंट कैरिंग एलिमेंट है, एक करंट कैरिंग वायर है, उस वायर का हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, डीएल एक छोटा सा एलिमेंट लिया। ठीक है, डीएल एक लेंथ एलिमेंट है, उसको हम वेक्टर मानेंगे। अच्छा, उसको वेक्टर मानेंगे तो उसका डायरेक्शन किस तरफ लेंगे, लेंथ है ना भाई, तू इस तरफ लेगा कि ऊपर की तरफ लेगा, हम उस तरफ लेंगे जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, यानी कि डीएल वेक्टर किस तरफ होगा भाई, डीएल विल बी लाइक दिस, डीएल वेक्टर विल बी लाइक दिस, दिस इज द डीएल वेक्टर। डायरेक्शन समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो हम इस डीएल एलिमेंट्री, ये एलिमेंट्री बहुत छोटा एक लेंथ एलिमेंट लिया, उसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो क्या होगा, पहली बात जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डीएल के लिए, मैं पूरे वायर के लिए निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ डीएल के लिए निकाल रहा हूँ, क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू करंट, ऑब्वियसली बात है, जितना करंट फ्लो होगा उतना उससे प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड, प्रोपोर्शनल टू इनवर्स, प्रोपोर्शनल टू डीएल, जितना लंबा ये एलिमेंट होगा उतना ज़्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। थर्ड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बताया था कि नहीं, जितना दूर वो पॉइंट उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इन्वर्स स्क्वायर लो ये भी फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करता है, ये आपको पता ही होगा। प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा मतलब क्या है, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, तो डीएल इस तरफ आर इस तरफ, ये इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये साइन थीटा ये फॉलो करता है, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, ये समझ में नहीं आया। पहली बात, एक चीज़ समझ, थोड़ा लॉजिक लगाएगा तेरे को समझ में आएगा कि पी से नियरेस्ट पॉइंट ये है ना भाई, पी से नियरेस्ट पॉइंट ये है ना, वायर का कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहा है, वायर का कोई भी पॉइंट, ये वायर मान लिया ऐसे करके जा रहा है कहीं पे, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहा है, सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा, ये होगा वो पॉइंट सबसे नियरेस्ट होगा जहाँ पे एंगल क्या होगा बेटा, ये जहाँ पे एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, समझ में आया कि नहीं। तो हमने, इन्होंने ये प्रोपोर्शनल साइन थीटा इसलिए बताया ताकि ये समझाने के लिए बताया कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम उस पॉइंट के लिए होगी जो पॉइंट सबसे नज़दीक होगा, और सबसे नज़दीक वाला पॉइंट कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है मैक्सिमम, यानी कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा जो एंगल कितना प्रोड्यूस करता है 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री, समझ में आया कि नहीं बेटा। ठीक है, चल तो अब जब हम इन सब चीज़ों को मिला देते हैं, इस चीज़ को अभी मत ड्रॉ करो, बेकार सी चीज़ है, बेकार नहीं, काम की चीज़ है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू सारी चीज़ें मिला दी, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट आ गया बेटा म्यू नॉट बाई 4π। अब आपको याद होगा, आपको याद होगा कि मैंने आपको जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है बेटा, याद है कि नहीं, डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने बहुत कुछ चर्चा कब किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक के एंड में, 1/4π, वो सब जो चर्चा हमारी हुई थी काफ़ी ज़्यादा एंड में हुई थी वो वाली चर्चा। ठीक है, तो उसी तरीके से इसकी जो म्यू नॉट की जो चर्चा होगी वो भी चैप्टर में काफ़ी आगे जाने के बाद होगी, वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में होगी। ठीक है, अभी बस ये जानकर रखो दिस इज ए कॉन्स्टेंट, जैसे कि हमारा ये था ना बेटा, वहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या आता था 1/4π, यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट आ रहा है बेटा म्यू नॉट बाई 4π, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब एक याद रखो
4π तो सेम है, यानी कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/ε0 आया वहाँ वहाँ यहाँ पे क्या आएगा, μ0 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी बेटा इसको ऐसे दिमाग में बस रख, तू आगे देखेगा आगे काम आता है ये वाला चीज़। अभी अभी बिल्कुल नहीं, अभी कुछ कुछ तेरे को रट्टा नहीं मारना है। बस मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे 1/4π ε0 था, यहाँ पे μ0/4π, तो 4/4π तो सेम है, जहाँ पे 1/ε0 आएगा वहाँ पे हमारा μ0 भी आ जाएगा। ठीक है, ε0 क्या था बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और μ0 क्या है बेटा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपको याद होगा जैसे मैं आपको बताता हूँ ये वाला चीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ऐसे करते थे 1/4π ε0 k। हम पहले मैं देख लेता हूँ बेटा ये वीडियो में आ रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा साइड में लिख दिया है। नहीं नहीं भाई, जस्ट इनफ। 1/4π ε0 k लिखते थे जब किसी मीडियम में डालते थे, लेकिन किसी किसी किताब में k की जगह एप्सिलॉन आर भी दिया हुआ है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टेंट है। एप्सिलॉन रिलेटिव भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी भी कहते हैं। जो आपका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट k होता है ना बेटा, उसको रिलेटिव परमिएबिलिटी भी कहते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी कि एप्सिलॉन आर, ठीक है बेटा, ठीक है, वो भी कहते हैं, कोई मतलब नहीं है, जानना जानो, नहीं जानना मत जानो, कोई इससे प्रॉब्लम होता नहीं। उसी तरीके से वहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, यानी कि मीडियम का एक कांस्टेंट आया था, यहाँ पे भी मीडियम का एक कांस्टेंट आता है। अभी तो हमने एयर या वैक्यूम लिया है तो उसमें कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका मीडियम आएगा तो जैसे हम लोग μ0/4π लेते थे ना, तो μ0 μr एक आता है, μr मीडियम के लिए आता है, ठीक है। कुछ कुछ किताबों में k भी दिया हुआ है, लेकिन k सिर्फ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में यूज हो गया है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर μr होता है। लेकिन मैं आपको 100% बात बता देता हूँ कि कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला इस चीज़ का। जानना है जानो, नहीं जानना है मत जानो, आपकी मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना है, आपका काम इन्फॉर्मेशन लेना है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। अगला चीज़, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर वेक्टरली देखा जाए तो ये देखा गया कि μ0/4π dl क्रॉस r/r³। मैं समझा रहा हूँ सब कुछ। dl क्रॉस r क्या होगा बेटा बता? इस चीज़ को अगर मैं शॉर्ट करके मतलब थोड़ा अच्छे से एनालाइज करूँ तो ये क्या होगा? dl r साइन थीटा होगा कि नहीं? dl क्रॉस r एक क्रॉस में क्या होता है? ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है बेटा आपका? आर मैग वैक्टर आर का क्यूब ना। वैक्टर आर का क्यूब मतलब क्या? इसको देख, आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है। ये क्या लिखा है? आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, इसको सिंपली आर लिखना है यार। ये भी तो आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये भी तो आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो किताबों में ऐसे दिया रहेगा, अब आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है उसमें। किताबों में मैंने जो पहले दिखा था ना ये वाला, किताबों में ऐसा दिया रहेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग क्या है? सेम मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये आर क्यूब, तो यहाँ पे भी क्या हो गया? आर क्यूब। अच्छे से देखिएगा, आर आर क्यूब यानी आर स्क्वायर बचेगा कि नहीं? आर स्क्वायर बचेगा कि नहीं? अच्छे से देख, पहला फॉर्मूला सेम आ गया, μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला आ गया। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात समझोगे, ठीक है। और ये हमें डायरेक्शन दे देती है। डायरेक्शन कैसे देती है देख, डायरेक्शन कैसे देती है देख। डीएल क्रॉस आर, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? डीएल किस तरफ था बेटा? डीएल वाज लाइक दिस, डीएल क्रॉस आर, आर किस तरफ है? इस तरफ। तो मैग्नेटिक किस तरफ होगा? अंदर की तरफ, पता है ना? पहली बात तो ये पता है ना, मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये बात? होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आना चाहिए। दिस इज ए, दिस इज बी, ए क्रॉस बी। बेटा देखो मैं बता देता हूँ, मैग्नेटिज्म पढ़ना है ना बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट सीख जाओ। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत काम आने वाला है मैग्नेटिज्म में, सिर्फ यहाँ ही नहीं आगे बहुत जगह काम आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको प्रॉपर आना चाहिए। क्लास 11 में डॉट प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज है, क्लास 12 में क्रॉस प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज है, हालांकि दोनों की यूज आपको आने चाहिए। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? ए क्रॉस बी, बाहर की तरफ। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, अंदर की तरफ, ठीक है। जिसको जिससे क्रॉस कर रहे हो हाथ को उस तरफ मोड़ना है, और अंगूठा आपको डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर किस तरफ है? डीएल इस तरफ, आर इस तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बेटा? अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है? हालांकि ये आप ऐसे याद मत रखो, डीएल क्रॉस आर से याद मत रखो। मैं आपको एक और सिंपल तरीके बताऊंगा, एक और सिंपल तरीके बताऊंगा जो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी बस आपको बता दिया मैंने ऐसे ही, ठीक है। चल एक और चीज, μ0/4π का यूनिट क्या होगा? μ0/4π का जो बेटा यूनिट और वैल्यू होती है इसकी बेटा 10⁻⁷। μ0/4π की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷, ठीक है। और इसका यूनिट था टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर कैसे आया? आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इस तरफ टेस्ला है, इस तरफ डीएल और आर, सॉरी हाँ सही है, टेस्ला है। आप ऐसे करके डीएल और आर का मीटर स्क्वायर हो गया, ये मीटर क्यूब हो गया, तो मीटर हो गया, मीटर इस तरफ चला गया, करंट का एम्पियर इस तरफ आ गया। आप करके निकाल सकते, कोई बड़ी बात है नहीं। नोट डाउन कर लो इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये
रूल आपको मरते दम तक, मरते नहीं मतलब एग्जाम खत्म होने तक याद रहना चाहिए, ठीक है कि भैया, मतलब मेरे को तो मरते दम तक ही याद रहना चाहिए क्योंकि मेरे को तो पढ़ाना है, चलो जो भी है, आपको तो एग्जाम खत्म होने तक क्या मतलब, जब तक फिजिक्स है जिंदगी में इसको याद रहना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड सिंपल तरीका है, आपका राइट हैंड, पहली बात राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं राइट हैंड बोलता हूँ, लेफ्ट हैंड यूज़ करके डायरेक्शन निकालने लगता है, गलत है टोटली, बिल्कुल राइट हैंड ही यूज़ होगा और कोई और कुछ नहीं। राइट हैंड यूज़ करोगे, राइट हैंड निकालोगे, अंगूठा क्या है, करंट। देख मैं तरीका बताता हूँ, तेरे को अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, तेरे को अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान ली किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सबसे पहले क्या देखेगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करती है, तो सबसे पहले करंट को निकाल, करंट करंट आ गया, फिर क्या आएगा वो पॉइंट कहाँ पे, फिर क्या आएगा वो पॉइंट कहाँ पे, और फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। थ्री स्टेप प्रोसेस है, पहला स्टेप क्या है, करंट कौन सा है, करंट निकल गया, फिर कहाँ पे है, और फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड, वही तीन स्टेप प्रोसेस है। पहले करंट कहाँ है, करंट अंगूठा करंट, नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, हाथ खुलेगा, एक एक करके पूरा हाथ खुलेगा। सेकंड स्टेप क्या है बेटा, पॉइंट किस तरफ, पॉइंट इस तरफ है, ठीक है। अब आपका जो पाम है, आपका जो पाम है जिस तरफ बंद होता है ना बेटा, या आप सिंपली कह सकते हो आपके पाम से परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर टू माय पाम, दिस परपेंडिकुलर टू माय पाम, सो दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू माय पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको कभी कभी क्लोजिंग पाम भी कहते हैं, जिस तरफ हाथ मेरा क्लोज हो रहा है, जिस तरफ हाथ मेरा क्लोज हो रहा है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिंपली देख, करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी कि आपका सिंपली क्या हो गया, क्रॉस, सिंपली क्या हो गया, क्रॉस। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत बच्चे होते हैं, देखो बेटा आप में से काफ़ी बच्चे किसी कोचिंग में भी पढ़े, कोई कॉन्सेप्ट में, कोई आकाश में, और कोई किसी, चलो कहीं से भी आप पढ़ो, मेरे को से कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप मेरा डायरेक्शन कन्वर्शन यूज़ करते हो और आपको अपने कोचिंग या दूसरे स्कूल का टीचर या जो भी है वो अलग डायरेक्शन कन्वर्शन यूज़ करता है, तो आप पहले दिन डिसाइड कर लो कि आपको ये फॉलो करना है कि वो फॉलो करना है, दोनों नहीं, आप कोई भी फॉलो करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आंसर आने से मतलब है, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम में कभी ऐसा सवाल नहीं पूछता कि व्हाट डायरेक्शन कन्वेंशन इज बीइंग यूज, सब दसवीं के सवाल है, ग्यारहवीं बारहवीं में इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आठ नंबर का चैप्टर है, इसे बकवास सवाल नहीं देगा कि डायरेक्शन कन्वेंशन क्या होता है, वो सब नहीं पूछने वाला, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन कैसे निकालना है। आप मेरा मेथड यूज़ करो या आप किसी और टीचर का मेथड यूज़ करो, टोटली अप टू यू, ठीक है। कुछ कुछ टीचर ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड फैमिलिंग रूल भी यूज़ करते हैं, मैं बिल्कुल वो सब यूज़ नहीं करता, ये एक मेथड है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये मेथड क्यों यूज़ करो, दिस मेथड इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये जो राइट हैंड का रूल है ना बेटा, ये अभी भी यूज़ हो रहा है, आगे और दो बार यूज़ होगा, दिस थिंग विल बी यूज्ड इन टू डिफरेंट इंस्टेंसेस, सो इट इज़ वेरी इजी। मतलब मैं तो सारे रूल पढ़ के बैठा हूँ, इसलिए मुझे ये सबसे ईजी लगता है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप डिसाइड कर लो, आप टीचर किसी और टीचर का फॉलो करना चाहते हो, मेरा वाला फॉलो करना चाहते हो, बट जो भी फॉलो करोगे उसको लेके आपको स्टिक करना है, वरना कन्फ्यूजन होता है। मैं एक ही हाथ वाला रूल फॉलो करता हूँ और यही हर जगह काम आता है। अगेन थ्री स्टेप प्रोसेस, एक एक करके हाथ खुलेगा आपका, थ्री स्टेप प्रोसेस। पहले क्या है, करंट कहाँ पे है, पॉइंट कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं, चलो यार समझ में आया। नेक्स्ट, चलो हम कुछ सवाल कराता हूँ आपको, एक एक करके सवाल लिखें, सवाल लिखें। ए पोल, सॉरी एन इलेक्ट्रिक वायर इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एन इलेक्ट्रिक वायर इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब भाई इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, पता है ना इलेक्ट्रिक पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल होता है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट से करंट लेके जा रहा है। बोला है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड में एक, जमीन में एक पॉइंट रखा हुआ है, उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देख कुछ कठिन नहीं है, आप लोग पहले ट्राई करें खुद से, फिर मेरे को बताएं, मैं बताता हूँ। देख पहली बात, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी कि अंदर की तरफ क्या होगा बेटा, नॉर्थ, बाहर की तरफ क्या होगा बेटा, साउथ। समझ में आ रहा है ना, अच्छा क्या बता, करंट पहली बात क्या, करंट करंट इस तरफ है, राइट हैंड करंट इस तरफ है, पॉइंट किस तरफ है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पॉइंट है, हाथ किस तरफ क्लोज रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या है बेटा, नॉर्थ, अंदर की तरफ, अगर नॉर्थ, हाँ अंदर की तरफ नॉर्थ, तो यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, नॉर्थ, आंसर होगा आपका नॉर्थ। आई होप ये वाला बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। चल ये करंट है, ये पॉइंट, पॉइंट वन में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, पॉइंट टू में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, पॉइंट वन में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, पॉइंट टू में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, पॉइंट वन में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी बेटा, करंट, पॉइंट वन किस तरफ है, इस तरफ है, हाथ अंदर की तरफ क्लोज हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं, पॉइंट टू में बता, करंट, पॉइंट किस तरफ, पॉइंट टू इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, इस तरफ है पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉइंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। समझ में आया कि नहीं, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा,
डॉट से। मैं और भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको साथ साथ करते रहना है, ठीक है बेटा? साथ साथ करते रहो तो सीखोगे, नहीं सीखोगे तो आगे बहुत तकलीफ देगा ये, क्योंकि मैं डायरेक्शन का बहुत झमेला है बेटा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है? एक और चीज़, डायरेक्शन अगर पलट दिया, बता भाई खुद निकाल, डायरेक्शन पलट दिया पॉइंट वन में, पॉइंट वन में किस तरफ हुआ करंट, पॉइंट वन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट पॉइंट टू किस तरफ है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? आ रहा है समझ में? चलो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, करंट ऐसे जा रहा है, बता भाई मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, करंट ऐसे, पॉइंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट पॉइंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ये बात खुद समझ सकते हो, खुद ट्राई करें बिल्कुल भाई। देखो प्रैक्टिस में करने को हजारों से हम करा सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ कवर करूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ में। ये पॉइंट टू, ये पॉइंट वन हमने फिर से ड्रॉ कर दिया, वायर ऐसा है भाई, वायर ऐसा है, वायर टेढ़ा है। अब बता, अब बता पॉइंट वन में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, करंट इस तरफ है ना भाई, करंट इस तरफ, पॉइंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस तरफ, पॉइंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? परपेंडिकुलर टू द पाम, पाम से परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि? आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक और सवाल लिखो, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी लिखो, करंट इज गोइंग आउटवर्ड्स, करंट इज, सॉरी करंट इज गोइंग गोइंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। क्या मैं भी वेस्ट साउथ, देखो भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो बाहर की तरफ क्या होगा? वर्टिकली अपवर्ड। अंदर की तरफ क्या होगा बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बोला है कि करंट फ्लो कर रहा है बेटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, दिस द डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइंड द मैग्नेट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन नॉर्थ, अनदर पॉइंट ऑन वेस्ट, अनदर पॉइंट ऑन साउथ, अनदर पॉइंट ऑन ईस्ट। चलो चारों पॉइंट में निकालो मैग्नेटिक फील्ड, मैं निकालने का ट्राई करता हूँ। देख भाई करंट इस तरफ, जिस तरफ करंट, उस तरफ हाथ, पहले नॉर्थ की तरफ निकालते हैं, नॉर्थ की तरफ हमने लेफ्ट ऑफ द फिंगर, हाथ किस तरफ क्लोज हो रहा है? टूवर्ड्स वेस्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा? बी वन इस तरफ, ठीक है? नेक्स्ट वेस्ट में बताओ भाई, करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड नीचे, थोड़ा फास्ट करेंगे आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। वेक्टर क्वांटिटी साउथ में किस तरफ होगा बता? करंट पॉइंट नीचे, मतलब मेरा तो हाथ चलो टूट ना जाए, इस तरफ। देख भाई करंट पॉइंट किस तरफ? नीचे की तरफ। हाथ पाम की, पाम का सरफेस का परपेंडिकुलर किस तरफ है? वेस्ट की तरफ। आंसर क्या होगा? वेस्ट। अरे भाई हाथ दर्द हो गया। इस पॉइंट में बता करंट पॉइंट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम। बी थ्री बी फोर आया कि नहीं बेटा समझ में? नेक्स्ट इस पॉइंट पे बता, चल इस पॉइंट पे बता, जो कि एंगल कितना बना रहा है, जो कि एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री, ठीक है? एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। बता भाई ईस्ट से बड़ा डिग्री बना रहा है। करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा? याद रखना मैग्नेटिक फील्ड पाम से परपेंडिकुलर, बोला था ना पाम से क्या होता है? परपेंडिकुलर, पाम से परपेंडिकुलर, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता चला कि नहीं? कोई भी डाउट? नेक्स्ट बेटा चल चल एक और सवाल कराते हैं। सवाल की देख बेटा कमी नहीं है, सवाल की कोई कमी नहीं है, हजारों सवाल हैं। अभी तो बस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। परेशानी हो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करो या कॉल करो, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको नहीं आई ना बेटा, मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा अगर ये चीज़ आपको नहीं आई तो, ठीक है? चल ये मान ले करंट है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, एक पॉइंट है। करंट किस तरफ है बेटा? करंट बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए किससे दिखाया? डॉट से दिखाया। एक पॉइंट है जो कि बेटा 30 डिग्री बना रहा है, किसके साथ? ईस्ट के साथ। एक पॉइंट है 30 डिग्री ईस्ट के साथ बना रहा है। आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? करंट पॉइंट, करंट पॉइंट, फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पाम, दिस इज परपेंडिकुलर। यानी कि खुद एक बात बता, खुद एक बात बता, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। ये कितना होगा? 60 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग 60 डिग्री फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग व्हाट? 60 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। इस तरीके से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये था डायरेक्शन के ऊपर बेटा,
नोट डाउन कर लो और आई होप आ गया होगा, नहीं आया तो मेरे को मैसेज करो भाई। हाँ तो बच्चों जो अगला टॉपिक है बेटा वो है मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर, यानी एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट इस तरीके से दौड़ रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज तरीके से दौड़ रहा है, हमें इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहली बात एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, छोटा सा बहुत ही छोटा एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे बेटा डीएल। ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या है बेटा उससे आर, सेंटर से कितना डिस्टेंस है बेटा रेडियस आर। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, याद है बाय एडसेप्ट लॉ में ऐसा था, ये डीएल था, ये वाला पॉइंट था, ये आर था, वेक्टर आर था, तो मैं बताना बताया भी होगा शायद, आर जो होगा डीएल से लेकर उस पॉइंट तक होगा, डायरेक्शन डी आर की इस तरफ होगी, अंदर की तरफ नहीं इस तरफ होगी, टुवर्ड्स द पॉइंट होगी। ठीक है, दिमाग में रहता है तो रहता है, नहीं तो लिख लो आप लोग। ठीक है बेटा, जितना ट्राई करो अपना नोट्स में जितना चीज़ें लिखने का उतना बेटर है। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आर इस तरफ होगा, डीएल और आर के बीच में एंगल क्या होगा बेटा 90 डिग्री। चलो एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड फॉर डीएल, प्रॉपर शब्दों में लिखोगे एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड फॉर डीएल विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसके बाद क्या करोगे बेटा, मार्कर चेंज करोगे, क्यों, क्योंकि इंक जा रहा है आई, क्या होगा बेटा डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को पता है, चलो म्यू नॉट बाय 4 पाई तो भैया सही है, वेक्टर अभी जरूरत नहीं है, म्यू नॉट बाय 4 पाई अपने को पता है, आई आपको पता है, डीएल आपको पता है, व्हाट इज साइन थीटा, साइन 91 अपॉन आर स्क्वायर, ये एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अपने को टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपन क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या आएगा, इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या आएगा, पहली बात कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, निकाल लो। करंट जो है बेटा हर एलिमेंट में करंट क्या है, हर जगह सेम है, तो करंट भी आपका क्या हो गया बाहर आ गया। नेक्स्ट आर रेडियस, रेडियस कांस्टेंट है कि वेरिएबल होता है, रेडियस तो सर्कल का कांस्टेंट होता है, तो आर क्या हो गया बेटा बाहर आ गया अलॉन्ग विथ आर, रेदर देन आर आर स्क्वायर हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो खुद बता बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, डीएल इज अ स्मॉल एलिमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट यानी कि पूरा लेंथ, पूरा लेंथ कितना है बेटा 2 पाई आर। बहुत बढ़िया, बहुत बेटा शाबाश, एकदम मजा आ गया एकदम, मतलब क्या रिप्लाई दिया है, 2 पाई आर, 2 पाई कैंसिल, आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 आर। सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाई 2 आर। समझ में आया कि नहीं बेटा, कोई भी डाउट होगा, होना तो नहीं चाहिए यार, आसान सी चीज़ है। एक बार चल डायरेक्शन में आते हैं, डायरेक्शन कैसे देख, डायरेक्शन कैसे देख, करंट किस तरफ है बेटा इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है अंदर की तरफ, सॉरी करंट किस तरफ है इस तरफ, पॉइंट किस तरफ है बेटा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस तरफ है ना, और आपका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लोजिंग पाम, पाम अंदर की तरफ क्लोज रहा है, यानी कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रॉस। चल नेक्स्ट, ऊपर वाले एलिमेंट की बात करते हैं, ऊपर वाला एलिमेंट क्या है बेटा इस तरफ से नहीं होगा, मेरे को इस तरफ आना पड़ेगा, करंट पॉइंट नीचे की तरफ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया कि नहीं, सिमिलर फॉर दिस ऑल्सो, करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, इंस्टेड आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, हर पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड की बेटा वैल्यू डायरेक्शन आएगा वो एक्जैक्टली सेम, और वो अंदर की तरफ ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, चल आई होप ये वाला बात आपको समझ में आएगा, आप लोग एक बार चीज़ को नोट डाउन कर लो, मैं ये चीज़ को मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें समझानी है आपको। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये करंट कैरिंग वायर इस तरफ करंट कैरी कर रहा है, करंट आपको कैसा कैरी कर रहा है, क्लॉकवाइज, मान ले मैं एंटी क्लॉकवाइज निकाला, ये क्लॉकवाइज करंट, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, क्लॉकवाइज करंट के लिए देख, करंट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट पॉइंट अंदर की सेंटर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसमें देखें करंट पॉइंट किस तरफ है, सेंटर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो ये बात आप समझ लें। ठीक है, क्लॉकवाइज में करंट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती है, एंटी क्लॉकवाइज में बाहर की तरफ होती है। अब एक और चीज, साइन कन डायरेक्शन फॉर सर्कुलर, ये सिर्फ सर्कुलर वायर के लिए भाई, ये और कहीं यूज नहीं करना, सिर्फ सर्कुलर वायर के लिए, एक सर्कुलर वायर के लिए एक सिंपल सा, ये किसके लिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर वायर एट इट सेंटर के लिए। ठीक है, क्या होता है देख, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अपनी उंगली को घुमाओ, अंगूठा क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा,
सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर वायर के लिए, क्योंकि आगे हमारा स्ट्रेट वायर आएगा, क्या कैसे कैसे वायर आएंगे वो सब में एप्लीकेबल नहीं, ये सिर्फ एप्लीकेबल है आपका किसमें, सर्कुलर वायर में। तो ये लिख लो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, समझ में आया। करंट जिस तरफ जाएगा उस तरफ अपनी उंगलियों को लपेटो, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, लिख लो अपने शब्दों में, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अपनी उंगलियों को लपेटो, अंगूठा किस तरफ देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक बात समझें, ये वाला चीज़ को एक बार मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लो बेटा ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ आप एक बार लिख लो, ठीक है। अब इधर देखो, अब चीज़ देखो, एक बात मेरी समझ, अगर मैं एक मैग्नेट को देखूं, ये साइड क्या है बेटा, नॉर्थ, ये साइड क्या है बेटा, साउथ। हमको पता, इतना तो 10वीं में पढ़ ही चुके होगी कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ में आके वो घुसती है, इतना अपने हम सबको पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, अच्छे से देखिएगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, तो कैन आई कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज करंट एज ए नॉर्थ पोल, और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड घुसती है तो कैन आई कंसिडर दिस एज ए साउथ पोल, समझ में आ रहा है, इसको मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ कि नहीं। अब एक और चीज़ देख, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, अरे मैंने इसको क्यों मिटा दिया, जरूरत पड़ेगा, बेवकूफ़ी वाली हरकत सबसे ज़्यादा मैं ही करता हूँ, मिटाता हूँ फिर बनाता हूँ। चलो देखो, ये तो अपने को पता है, अच्छा ये करंट कैरिंग एक वायर है, ये करंट कैरिंग वायर सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर को हम कैसे देख रहे हैं, थोड़ा टिल्टेड व्यू से देख रहे हैं। अगर सर्कुलर वायर ऐसा है तो मैं मतलब सर्कुलर वायर में कैसा दिखाऊं तेरे को, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं सर्कुलर, सर्कुलर कुछ नहीं है भाई, सर्कुलर सिर्फ मार्क्स है जीरो। इधर देख, ये मान लो सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर आपको दिख रहा है कि नहीं ऐसा, ठीक है। अगर मैं आप ऐसे देखो इसको तो आपको ऐसा दिखेगा कि नहीं, वही चीज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, ठीक है। अब अच्छे से देखेगा तो इसके इसके कुछ एलिमेंट्स, ऊपर वाला एलिमेंट ये वाला हो गया, नीचे वाला एलिमेंट ये वाला हो गया, जो पीछे वाला एलिमेंट है, जो पीछे वाला एलिमेंट है वो ये वाला है, क्योंकि एक्सिस इसको ओवरलैप कर रही है, समझ में आ रहा है कि एक्सिस को ओवरलैप कर रही है, जो सामने वाला एलिमेंट है वो ये वाला है, समझ में आया कि नहीं। आप इमेजिन करो एक डिस्क, डिस्क मतलब पता नहीं उसका एरिया होता है, रिंग और डिस्क में फर्क होता है, दिस इज अ डिस्क, इट हैज एन एरिया, रिंग डज नॉट हैव एन एरिया। अगर मैं इसके अंदर से तार पेनिट्रेट करूंगा, इसके अंदर से अगर मैं तार पेनिट्रेट करूंगा और इसको थोड़ा टिल्टेड व्यू से देखूंगा तो मुझे ऐसा ही दिखेगा, विद दिस बींग द फ्रंट एंड, दिस बींग द रियर एंड, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा। डिस्क में अगर डिस्क के अंदर से तार घुसाऊंगा जो कि एक्सिस की तरह काम करेगा तो हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलो अब एक चीज़ देख, अब तो एक चीज़ समझ, तुमने ये चीज़ तो तुम लोग को शायद पता होगी कि घड़ी कैसी घूमती है क्लॉकवाइज, घड़ी कैसी घूमती है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब चल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज़, ये मार्कर का रोटेशन को ऑब्जर्व कर, मार्कर कैसा घूम रहा है आपके लिए, कैसा घूम रहा है बेटा आपके लिए, घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जैसा घूमता है उसका उल्टा घूम रहा है, देखो आपके लिए मार्कर कैसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मेरे लिए मार्कर कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, करके देखो, सोच के देखो, पेन लो घुमा के देखो, कैसे देखोगे, देख ऐसा देख रहा हूँ मेरे तरफ से, देख कैसा ऑब्जर्व करेंगे, देख ये है ना मेरी तरफ से मुझे कैसा दिख रहा है अभी, मेरी तरफ से मुझे अभी दिख रहा है दिस इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज सेंस, तो मैं अपना पेन को मार्कर को सेम तरीके से घुमाते रहूँगा लेकिन मैं अपना पोजिशन बदल दूंगा, अरे ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, समझ में आया कि नहीं, कैसा दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अब देख मार्कर घुमाने का तरीका सेम है, ऐसे देख अभी तक ज़्यादा समझ में आएगा कैसा घूम रहा है मार्कर तेरे हिसाब से, कैसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं अपना मार्कर सेम तरीके से घुमा रहा हूँ बस मैंने अपना जगह बदल दिया, अरे भाई ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, समझ में आया कि नहीं। यानी एक चीज़ अगर मैं क्लॉकवाइज लग रही है तो दूसरे एंड से वो एंटी क्लॉकवाइज भी दिख सकती है, भी क्या मतलब वो दिखती है, समझ में आ रहा है बेटा। ये चीज़ आप में से बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको आज पता चल गया, ऑब्जर्व करके देख लो। तो मान ले करंट आप कैसे जा रहा है, यानी कि अगर इस एंड से देखूं मैं, इस तरफ से देखूं तो उसको ऐसा दिख रहा है, करंट कैसा दिख रहा है अच्छे से देख, इस तरफ से देखेगा तो उसको ऐसा दिख रहा है, ये पीछे वाला ये सामने वाला, पीछे वाले की तरफ से ऊपर जा रहा है, सामने वाले की तरफ से नीचे आ रहा है, तो उसके हिसाब से कैसा दिख रहा है बेटा ये, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यानी कि इसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से देखने वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से कैसा होगा बेटा, क्लॉकवाइज। और हमको पता है
हमको पता है जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ पोल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से निकलती है। और तुम ऐसे भी देख लो ना करंट कैसा जा रहा है, देख ऐसे जा रहा है ना, पीछे की तरफ से आके सामने की तरफ नीचे गिर रहा है, पीछे की तरफ से ऊपर जा रहा है, सामने की तरफ नीचे जा रहा है करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। मैं ब्लू मार्कर से बनाता तो आपको और ज्यादा अच्छी फील आएगी। ब्लू मार्कर कहाँ है? और पीछे की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा? अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? डाउट है बेटा कुछ भी? आई होप समझ में आ रहा होगा, आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से बेटा समझ में आ रही होगी। दैट इज हाउ वी ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। प्रॉपर आपका एनालिसिस होना चाहिए। एक तरीके से अगर आके निकल रहा है तो दूसरी तरीके से आके घुसेगा, समझ में? जस्ट लाइक ए मैग्नेट। सो ए करंट कैरिंग सर्कुलर, नोट डाउन, नोट करके लिखो, एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, नोट डाउन करके लिखो, एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर बिहेव सेस, लिखो भाई बिहेव सेस, थोड़ा बैठता हूं मैं, बिहेव सेस ए बार मैग्नेट। क्या मैग्नेट बेटा? बार मैग्नेट, बी ए आर, बार मतलब पता ही होगा इसको बार मैग्नेट कहा जाता है, उसको बार मैग्नेट कहा जाता है। बिहेव सेस है बार मैग्नेट, वेयर द एंटी क्लॉकवाइज साइड, द एंटी क्लॉकवाइज साइड बिहेव सेस नॉर्थ पोल एंड द क्लॉकवाइज साइड बिहेव सेस साउथ पोल, बिहेव सेस साउथ पोल। इसके बाद ये जरा ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट एक चीज लिखो हेंस करंट कैरिंग सर्कुलर वायर बिहेव जस्ट एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू आर। विथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सेंटर इक्वल टू कितना बेटा? म्यू नॉट आई बाई टू आर। आई होप ये वाला पूरा पिक्चर आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लो। जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर वायर एट इट्स एक्सिस। मतलब ये अगर एक सर्कुलर वायर है, इमेजिन दिस टू बी ए सर्कुलर वायर, लेट्स सी डिश वी नो, अगर ऐसा सर्कुलर वायर है तो ये वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? इसके एक्सिस में एक पॉइंट है जो कि ऑब्वियसली इसके सेंटर से पास होते हुए सीधा निकलेगा, उस पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर हम 2D डायग्राम बनाएं तो ये सर्कुलर वायर है, उसके एक्सिस यहाँ पे, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे, थोड़ा इस बात को समझें आप। पहली बात, करंट आप कैसे जा रहा है, ये बात तो आपको समझ में आ गया हो कि ये रियर एंड है और ये फ्रंट एंड है, ये आर और ये फ्रंट एंड, मतलब करंट आपका ऐसे जा रहा है, देख रियर एंड में ऊपर की तरफ उठ रहा है और फ्रंट एंड में नीचे की तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे जा रहा है, अच्छे समझो, दिस इज रियर एंड, दिस फ्रंट एंड, रियर एंड जहाँ पे क्रॉस इंटरसेक्ट करता है ये आपका एक्सिस, ठीक है? इस तरीके से हो रहा है कि नहीं, करंट आप कैसे जा रहा है, ठीक है? अब हम एक एलिमेंट की बात करेंगे जिसका लंबाई बेटा कितना है, छोटी सी लंबाई है डीएल, छोटी सी लंबाई है डीएल। तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या निकालना है, पूरे वायर के लिए इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया, एक छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, आपको ही पता है। लेकिन एक बार अगर हम गौर करें, एक और चीज़ में बताना सही रहेगा कि रेडियस स्मॉल ए है इसका और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज स्मॉल एक्स, ठीक है? चलो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अच्छे से देखेगा तो करंट कहाँ किस तरफ जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। अब बच्चे हिसाब लाएंगे सर करंट तो ऐसे जा रहा है, नहीं बेटा वो गलत है, ये तो 2D डायग्राम बनाए, असलियत में करंट का डायरेक्शन क्या है, खुद सोच, असलियत में करंट एक ऐसे है और हमने कौन सा पॉइंट कंसीडर, दिस इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट, देख ये है ना, मैं थोड़ा सा एंगल में दिखा रहा हूं तेरे को, करंट ऐसे जा रहा है तो मैं पकड़ भी नहीं सकता, हाँ करंट ऐसे जा रहा है। हम बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करें, बॉटम मोस्ट पॉइंट में करंट किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, देख अच्छे से, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट में करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस पॉइंट में करंट किस तरफ जा रहा है बेटा? अंदर की तरफ,
टॉप मोस्ट पॉइंट में करंट किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, इसीलिए ना ये सर्कुलर वायर है ऐसा वाला। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो करंट बेटा इस तरफ है, सॉरी करंट अंदर के, करंट अंदर की तरफ है, हमें इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट पॉइंट उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ऐसा, यानी मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। और हमको पता है कि पाम से परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, देख ये पाम परपेंडिकुलर, समझ में आया कि नहीं? दोबारा देख, करंट अंदर की तरफ, करंट अंदर की तरफ, पॉइंट उस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ। समझ में आया कि नहीं? आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज एक्स, दिस इज ए, दिस विल बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, इस पॉइंट के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं क्या होगा, करंट किस तरफ है, बाहर की तरफ, पॉइंट उस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड वैसे, एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, दिस विल बी डी बी एंड दिस विल बी अगेन बी परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फोकस को चेक कर लेता हूँ, हालांकि फोकस को चेक करते हुए मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैंने अपना डिवाइस चेंज किया है, आई मीन मैंने अपना फ़ोन चेंज किया है, बॉट ए न्यू फोन विच इज़ ए वेरी गुड कैमरा। पता नहीं, फोटोज तो अच्छे आते हैं, वीडियोज तो आपको देख के पता चलेगा। पिछले वाला का भी वीडियो थोड़ा बहुत ठीक ठाक आया था, फिर मैंने, यू कैन सी आई हैव बॉट दिस माइक, वायर्ड माइक, पहले ब्लूटूथ माइक था, और पहले ब्लूटूथ माइक एक जुगाड़ था, वो एक्चुअली मेरा बाइक का जो हेलमेट होता है, हेलमेट के अंदर लगाने वाला हेडफोन और उसका माइक था। ठीक है, तो उसको मैंने ब्लूटूथ माइक बना दिया था, लेकिन अभी सोचा कि अभी वायर्ड माइक लेते हैं। वायर्ड माइक से एडवांटेज ये होता है कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन द नेटवर्क ऑल्सो। ठीक है, कोई मतलब ब्लूटूथ का कोई इशू नहीं होगा, डायरेक्टली वायर से जा रहा है, तो हम लोग अभी जूम क्लास भी कर पाएंगे। सिंस दिस, इस फोन में मैंने जूम क्लास का एक ट्रायल भी किया हुआ है, घर में प्रैक्टिस किया था, वर्क्स रियली फाइन। सो आई थिंक विद द न्यू डिवाइस इट विल वर्क रियली फाइन। फिर मैंने एक नया ट्राइपॉड स्टैंड लिया जो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, वो चेंजेस किए हैं मैंने, इन्वेस्टमेंट किया, खर्चे कर रहा हूँ यार, खर्चे कर रहा हूँ, यही तो करना है जिंदगी में, और क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, अभी फोकस में एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बीच वाला चीज़ मिटा दिया है, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड में काफ़ी सारे डायग्राम्स बने हुए हैं। ठीक है, चलो एक बात बता, डीबी इस तरफ, डीबी इस तरफ, एक बार रेड मार्कर लेके मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि डीबी का जो नेट आएगा किस तरफ आएगा बेटा। मान ले ये वाला एंगल थीटा है, इसको मिटा दे अभी के लिए, ये वाला एंगल मान ले थीटा है, तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक्सिस एंड ये वाला परपेंडिकुलर, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस विल बी हाउ मच थीटा, दिस विल बी हाउ मच थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा, होशियार बच्चों, इतना तो चीज समझ ही सकते हो। ये अगर थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा बेटा, थीटा। तो डीबी का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, डीबी कॉस थीटा, डीबी का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, डीबी कॉस थीटा। वी नो दैट डीबी कॉस थीटा इज गोइंग टू कैंसिल, डीबी कॉस थीटा, ऊपर वाला डीबी कॉस थीटा, नीचे वाला डीबी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डीबी साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि डीबी साइन थीटा, और हमको पता है कि नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, इसके लिए डीबी साइन थीटा, इसके लिए डीबी साइन थीटा, हर एक एलिमेंट के लिए डीबी साइन थीटा होगा, और वो क्या होता जाएगा बेटा, ऐड होता जाएगा। सेम प्रूफ आपको मैंने किस में कराया हुआ है, ग्रेविटेशन में कराया हुआ है, सेम प्रूफ किस में कराया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया हुआ है, अभी किस में, मैग्नेटिज्म में, तीन सिमिलर प्रूफ। ठीक है, देखो कितना मतलब, एक एक टॉपिक अगर आपको अच्छे से आता है ना, ये तो आप खुद ही कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो एक बार सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, सॉल्व करते हैं। जो एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद कर थीटा क्या था, थीटा वॉज द एंगल बिटवीन व्हाट, देख नोट्स में देख, आर एंड डीएल, आर एंड डीएल के बीच में था, आर और डीएल के बीच में। चलो अच्छे से देख, ये बता डीएल किस तरफ है, डीएल किस तरफ है, जिस तरफ करंट हुआ करता था, बताया था कि नहीं, करंट किस तरफ हुआ करता था, करंट किस तरफ है, अंदर की तरफ है। इस पॉइंट में करंट किस तरफ है, अंदर की तरफ है, करंट इस तरफ अंदर की तरफ है, और आर किस तरफ है, आर वॉज टुवर्ड्स द पॉइंट, यानी कि दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। तो आर और करंट के बीच में एंगल क्या है पता, एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल, कुछ बच्चे ये एंगल थीटा है, खुद बता एंगल क्या है, कुछ बच्चे बोलेंगे 90 माइनस थीटा, कुछ बोलेंगे थीटा, नहीं बेटा आंसर है 90 डिग्री। आंसर कितना, 90 डिग्री। समझा था, सुन, करंट किस तरफ, करंट और डीएल तो एक ही डायरेक्शन में होता है, करंट किस तरफ है, अंदर। मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी तेरे को प्लेट से, करंट किस तरफ है बेटा, अंदर। बॉटम मोस्ट पॉइंट में किस तरफ है, अंदर की तरफ। करंट अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट में अंदर की तरफ है, और आर किस तरफ है, इस प्लेन में। आर जो है, आर इज ए वैक्टर विच इज इन दिस प्लेन, आर इज ए वैक्टर विच इज इन दिस प्लेन, एंड करंट जिस तरफ है वो तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है ना। देख अच्छे से, ये करंट है और ये आर है, दिस इज परपेंडिकुलर। इन फैक्ट आप अगर एक वेक्टर ये लो, और आप कोई भी लाइन ले लो, ऑल दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर ऐसा है,
ये वेक्टर ऐसा है, देख परपेंडिकुलर, देख परपेंडिकुलर, देख परपेंडिकुलर, देख परपेंडिकुलर, हर लाइन के साथ ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, बिकॉज ऑल दिस लाइंस आर इन ए प्लेन एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन देखो सिर्फ मैं वीडियो में करा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ जो मैं मुंह से बोलूँ, हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन हो और आपको वो चीज़ मेरे दिमाग में सॉलिड बनी रहे। करंट अंदर की तरफ, आर उस तरफ, करंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, आर लाइज इन द प्लेन, हैंस दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, हैंस यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बेटा, साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री क्या होता है बेटा, वन होता है, इसको लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप स्टेप लिखेंगे। ठीक है, चलो डिनोमीटर में क्या होता है, डिस्टेंस स्क्वायर, आर क्या था, डिस्टेंस था, है ना, तो आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल अपॉन आर। आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द करंट एलिमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट, आर इज दिस, सो आर स्क्वायर विल बी व्हाट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, अच्छा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, व्हाट विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड, विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी व्हाट, साइन थीटा। एक बार मैं देखता हूँ, मैंने कुछ कट तो नहीं डाला वीडियो में, एडजस्ट में, एडजस्ट नहीं भाई, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम दिमाग लगाया मैंने, बहुत बढ़िया सा इंटीग्रेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज साइन थीटा, थीटा ये, थीटा ये, साइन थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, ए। व्हाट इज हाइपोटनस, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, और पावर आप सिंपली हाफ लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर लेके आ जाओ, करंट भी कॉन्स्टेंट है, बाहर लेके आ जाओ। अच्छा ए क्या है, रेडियस भी कॉन्स्टेंट है, और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो पॉइंट का दूरी भी तो फिक्स्ड है, वो पॉइंट का दूरी भी तो फिक्स्ड है, तो हम लोग कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्या है, 1, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्या है, हाफ, नेट क्या हो जाएगा, 3/2। ए भी है, ए भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, देख कितना सिंपल है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल इसका छोटा सा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ क्या होगा बेटा, 2π इनटू स्मॉल ए, रेडियस क्या था, स्मॉल ए, तो आंसर आ गया बेटा म्यू नॉट आई बाई, म्यू नॉट आई ए बाय 4π ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इनटू 2π इनटू स्मॉल ए। अच्छे से देखिएगा, 2π 4π में सिर्फ क्या बचेगा, 2, ए यहां पे आके ए स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक टर्न की जगह 5 टर्न होते तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता, 5 टाइम्स, अगर n टर्न होते तो क्या हो जाता बेटा, n टाइम्स, तो आंसर विल बी म्यू नॉट n i ए स्क्वायर। व्हाट इज n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, लिख लो ये वाली चीज़ अच्छे से। सिमिलर प्रूफ हम पहले भी कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिमिलर प्रूफ हम पहले भी कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज़ को पूरी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन आई होप कर लिया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बताना चाहता हूँ आप लोग एक बार, आई होप लिख लिया होगा, डायग्राम वायग्राम सब बना हुआ है। ठीक है, एक बार मैं फोकस ताकि ना हटे, मैं ये वाला चीज़ रख देता हूँ, बाकी आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सुनना अच्छे से, देखो भाई, ये ग्राफ। अच्छा ग्राफ करने से पहले मैं एक स्पेशल केस था वो आपको करा देता हूँ, केस क्या है सुन, स्पेशल केस, केस क्या है, केस वन क्या है, एट सेंटर। अच्छा याद है ना, ऐसे निकालते थे ये डिस्टेंस, ये क्या था बेटा, ए, ये क्या था, एक्स, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, सेंटर जब आएगा, सेंटर में ये पॉइंट आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एट सेंटर x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। अच्छा x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो x की वैल्यू 0 कर, यहाँ पे क्या आ रहा है, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2, x तो 0 हो गया तो ए स्क्वायर पावर 3/2, ए स्क्वायर पावर 3/2, देख 2, ए स्क्वायर पावर 3/2। अच्छा देखिएगा 2 कैंसिल गया, क्या आ रहा है, ए क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है, ए क्यूब। अच्छा देख, ए क्यूब ए स्क्वायर, यानी क्या बचेगा, सिंपली ए बचेगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2a, नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 माने तो म्यू नॉट आई बाई 2a, ए क्या है बेटा, रेडियस, याद है ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था पहले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट एक और केस लिख लो,
केस टू सुने, ये और ये तो और इम्पोर्टेंट है। केस टू क्या है? फॉर ए पॉइंट एक्स बहुत दूर, मतलब बहुत दूर, बहुत दूर एक पॉइंट में, मतलब एक्स बहुत ज़्यादा दूर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर, यानी कि एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो उसके रेस्पेक्ट में ए क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? देख, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट। एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, सिंपली एक्स क्यूब आएगा भाई, देख ले तू, एक्स क्यूब आएगा। खुद एक बात बता, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट, एक आई कॉन्स्टेंट, रेडियस भी कॉन्स्टेंट जो कि ए है, टू भी कॉन्स्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब, मैग्नेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब, याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है। अच्छा एक बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा कुछ आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिजल्ट कब आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड में याद है? बता, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब कब होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब कब होता है? डाइपोल में, फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल, एंड जब पॉइंट, जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट बहुत दूर होगा, याद कर, नोट्स में चेक कर, फॉर एन आइडियल डाइपोल, फॉर एन आइडियल डाइपोल, और वो वाला पॉइंट जाओगा पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन क्या ये डाइपोल है? क्या ये डाइपोल है? एक बार सोचते हैं डाइपोल क्या होता है। डाइपोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी तरह जैसे पॉजिटिव मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो उसी तरह नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव पोल मानते हैं, साउथ पोल को नेगेटिव पोल मानते हैं। हेंस ए बार मैग्नेट इज कॉल्ड डाइपोल। ये वाला अभी के लिए दिमाग में रख सकते हो, हालांकि अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बार मैग्नेट डाइपोल क्यों है? क्योंकि उसके भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे तो बार मैग्नेट नहीं है, लेकिन याद कर मैंने क्या बताया था, इस एंड से कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस विल एक्ट एज नॉर्थ पोल, दिस विल एक्ट एज साउथ पोल। बताया था कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती है? बताया था कि नहीं? बताया था कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती है? ऐसे निकलती है। तो इसका साफ साफ मतलब क्या है? एक करंट कैरिंग वायर एक्ट्स एज ए डाइपोल, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर वाले पॉइंट के लिए, बहुत दूर वाले पॉइंट के लिए इट विल एक्ट एज व्हाट? आइडियल डाइपोल, एंड पॉइंट विल बी वेरी फार अवे। समझ में आया कि नहीं? तो रिजल्ट भी कैसा आया? आइडियल डाइपोल जैसा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देख खूबसूरती देख, तेरे को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती है तेरे को ये आ जाएगा। मैंने ये वाला जो ड्राइवेशन करा इसमें कुछ नया नहीं है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉपी कैट है, बट आपको आना चाहिए बेटा, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। अगर समझ में आया होगा, नेक्स्ट हम इसका थोड़ा ग्राफ करते हैं, ठीक है। ग्राफ बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। एक बार आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख। अच्छा एक बार थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रिंग बनाते हैं, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रिंग जो बनाया था, पॉजिटिव चार्ज वाला रिंग, और हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अगर आपको याद होगा तो। नहीं याद तो एक बार नोट्स खोल के देखो, फिर ये वाला यहाँ पे आओ, वीडियो को पॉज करो, वो वाला नोट्स खोल के देखो, फिर यहाँ पे आओ। आई होप आपने वो कर लिया होगा, जिनको आता है उनको आता है। देख पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ। पॉजिटिव चार्ज दूर जाते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे आया था? याद है कि नहीं ऐसा ग्राफ आया था? याद है कि नहीं ऐसा ग्राफ आया था? क्यों? क्योंकि देख इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बोला, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो हमने ग्राफ को ऊपर की तरफ बनाया, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ग्राफ को हमने नीचे की तरफ बनाया। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या, सॉरी नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है? उससे निकलती है। नॉर्थ पोल में उससे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है? निकलती है। देख निकल रही है यहाँ पे। साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या आती है? अंदर आती है। अच्छे से देखेगा, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स राइट, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स राइट। लेकिन यहाँ पे देख इलेक्ट्रिक फील्ड एक दफ़ा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दफ़ा इस तरफ। तो ये थोड़ा कठिन था, ये वाला ज़्यादा आसान है। इसमें दोनों एक तरफ होगा, दोनों एक तरफ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अंतर आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका हम लोग ग्राफ एक बार बनाते हैं, इसका हम लोग ग्राफ एक बार बनाते हैं, सुनो अच्छे से। एंटी क्लॉक वाइज ना, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बेटा किस तरफ है? इस तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक चीज देख, ग्राफ में बनाता हूं, मैंने इसको क्यों मिटा दिया? फोकस एक बार देख लेते हैं भाई। हाँ फोकस बराबर है। देखो भाई ग्राफ कैसा बनेगा, सुन अच्छे से। पहले देख फॉर्मूला, देख फॉर्मूला में कांस्टेंट देख क्या क्या है। बी इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट एन आई ए, इसका म्यू नॉट भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया के। टू भी कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा चीज के है। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू के बाई
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो अच्छे से देखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड न्यूमरेटर में कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि अच्छे से देखेगा मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समथिंग डिस्टेंस, मतलब एक्स के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, एक्स स्क्वायर पावर 3/2 व्हाटएवर, इसको हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड सीधी तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना पावर में वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि ऐसा नहीं होता, वो ऐसा थोड़ा स्मूथ होता है कर्व, बताता हूँ आपको कैसा होता है। ऐसा होता है, वहां पर ग्राफ इस तरीके का होता है। खुद सोचना भाई, तू खुद एक बात सोच। तो एक्स की वैल्यू अगर बढ़ाता जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, पूरी वैल्यू घटती जाएगी। यानी अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। यानी यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो गया, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। इस तरफ x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? घटती जाएगी। और दोनों तरफ डायरेक्शन सेम है तो नीचे की तरफ नहीं आएगा। जैसे उसमें क्या आ रहा था, उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ है, अगर आपको याद होगा तो उसमें ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था। ऐसे आने का मतलब है, ऐसे आने का रीज़न है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो क्या था? 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्या था यार, मैं तो भूल गया पूरी तरीके से, क्यू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, कुछ ऐसा था फॉर्मूला, कुछ ऐसा था। देख अच्छे से देखेगा तो यहाँ पे न्यूमेरेटर में भी आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर, इसलिए ग्राफ थोड़ा ऐसा आया था, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला था, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, यही था शायद, कांस्टेंट क्या था मेरे को याद नहीं है, लेकिन क्यू आर स्क्वायर न्यूमेरेटर में भी आर स्क्वायर था और नीचे भी आर का कुछ था, यानी कि इस तरीके का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आया था। लेकिन अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड में देखेगा, मैग्नेटिक फील्ड में सिंपल सा फंक्शन है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और दोनों के दोनों तरफ डायरेक्शन सेम है तो दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऊपर की तरफ बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ग्राफ है, आना चाहिए आपको, प्रॉपर पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसा ग्राफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा ग्राफ होता है। और ये बिल्कुल नहीं भूलोगे, दोनों तरफ डायरेक्शन सेम होता है। हो गया भैया, ये टॉपिक खत्म बेटा, लिख लो।